गैस स्टेशन आ गई है, ट्रिप स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लो। फुल टैंक कर दो प्लीज। तुम जाओ, मैं यहीं बैठा। ठीक। सुनो, पानी पी लो, रात होने से पहले वहां पहुंचना है। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ। शायद बारिश होने वाली है, हमें एक घंटा और लग सकता है पहुंचने में, जल्दी करो। ठीक है। यहां बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, आगे की सड़क खराब है, ड्राइवर ध्यान से चलाएं और टीको पर ध्यान रखें, वो हिलने ना पाए, कार की गति को धीमी रखना, सब समझ गए? रोजर दैट। धीरे चलाना। जी हाँ। हमारा लग बिना बारिश में फंस गए। लगता है ये बारिश जल्दी नहीं रुकने वाली, वैक्सीन का एक्सपायरी टाइम बहुत कम होता है, जल्दी करो, जब तक सड़क सही है हमें आगे निकलना होगा। ठीक है। लैंडस्लाइड हुई है, रोड ब्लॉक हो गया है, क्या करें? तुम सभी वहीं रुको, हम देखते हैं क्या हुआ है। रोजर दैट। गाड़ियां आगे नहीं जाएंगी, क्या करें? हम गांव से कितनी दूर हैं? मैंने चेक किया, 15 किलोमीटर दूर है। चलना होगा। क्या कहा तुम्हें? ये लैंडस्लाइड और पत्थर रिस्की नहीं लगते? हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम बहुत करीब आ चुके हैं, अब हार नहीं मान सकते। ठीक है, सारे ध्यान से सुनो, आगे लैंडस्लाइड हुआ है, कार आगे नहीं जा सकती, अपना सामान ले लो, हमें पैदल चलना होगा। चलो चलते हैं, अपना अपना सामान ले लो। ये मुझे दो। आराम से पकड़ना। मैं आपकी मदद करती हूँ। थैंक यू, कोई बात नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन बर्दाश्त हो जाती है, पर फिर भी हमें तैयार रहना होगा, हो सकता है किसी पे वैक्सीन का उल्टा प्रभाव दिखे, तो ये इमरजेंसी बॉक्स काम आएगा। ठीक है, चलते हैं। चलो ठीक है, चलो आराम से। हाँ, इधर आओ। Good job.
हो गया, मैं तुम्हारी मदद। हो गया। ऐसे घूर क्यों रही हो? कैप्टन सू, ये टाइम ये सब करने का नहीं है, है ना? जो सही लग रहा है वही कर रहा हूँ। अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो मुझे भी बोलने का। बारिश में ट्रैक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। थैंक यू। सब लोग, गांव में जाने का एक ही रास्ता है जो अब बंद हो चुका है। हमें यहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव में चलकर जाना होगा। हर किसी को सावधान रहना होगा और एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, और हमें अपने साथ साथ वैक्सीन को भी संभालना होगा। मुझे उम्मीद है कि ट्रेनिंग में जो भी सिखाया वो सबको याद होगा। हमारी कोशिश रहेगी वैक्सीन को सुरक्षित गांव तक पहुंचाना। सब समझ गए? समझ गए। चलो। चलो चलो, हम बस पहुंचने वाले हैं। क्या पोलर नाइट रेस्क्यू से हो? हाँ, हम ही हैं। माफ करना, बारिश बहुत तेज है इसीलिए आने में हमें बहुत देरी हुई। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे गांव की ओर चले। हाँ चलिए चलिए चलो चलो जल्दी करो। कैप्टन सू, कैप्टन सू। मॉर्निंग चीफ। मॉर्निंग। बहुत जल्दी उठ गए, थोड़ा और देर आराम कर लेते। मुझे इसकी आदत नहीं। अरे ये लो, ये सब आपके लिए है। ये सब मेरे लिए? रखो रखो, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। क्या सारे वैक्सीन ठीक हैं? हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा कि वो आज से वैक्सीनेशन शुरू करेंगे, चिंता मत कीजिए। सुनकर अच्छा लगा। कैप्टन सू, आपको नहीं पता, हमारे गांव में कुछ बुजुर्ग लोग रहते हैं जो उस पहाड़ी पर पुराने बस्ती में रहते हैं। वो बहुत कम नीचे आते हैं। उन्हें वैक्सीनेशन के लिए नीचे लाना नामुमकिन सा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो क्या तुम अपने टीम के डॉक्टर्स और कुछ वैक्सीन्स लेकर हमारे गांव के पुरानी बस्ती चल सकते हो? वो पहाड़ वाले हमारे डॉक्टर्स के साथ मिलके उन लोगों को वैक्सीनेट करने। वहाँ कितने लोग हैं? कुछ 12-15 लोग। ठीक है, हम चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चेन को ये बता कर आता हूँ, तब तक तुम इसे खा लो। थैंक यू। अरे नहीं, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मुझे लगता है पीरियड्स हो गया। क्या तुम्हारे पास पैड्स है? तुमने तो डरा दिया। मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। ये लो, टैम्पोन यूज कर लो। टैम्पोन? मेरा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वो सारी बातें बस कहानियां हैं, इससे तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होगा। डरो मत, एक बार ट्राई करो। या फिर तुम गांव वालों से कुछ मदद क्यों नहीं लेती? हाँ, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है।
मैं सोच रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम हमेशा ही अपने पैड्स को छुपाती होगी जब तुम पब्लिक बाथरूम में जाती होगी। हाँ, और उसे सेपरेट बैग में भी रखना पड़ता है। लेकिन पीरियड्स होना लड़कियों के लिए बहुत आम बात है, भला इसमें शर्माना कैसा? लोग इसकी बात करने पर शर्माते हैं, औरतों के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस है, टैबू नहीं। मैं भी पीरियड्स में हूँ और मैंने टैम्पून यूज किया हुआ, उसके बाद भी मैं सारी एक्टिविटीज कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि हमें इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। ले लो। क्या इससे सच में दर्द तो नहीं होगा? नहीं होगा, सच में इसे यूज करना आसान है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं कर लेती हूँ। क्या हुआ? एक और चुनौती है, हम दोनों को जाना होगा। ठीक है। क्या बस हम तीन ही जाएंगे और बाकी सब साथ नहीं आने वाले? वैक्सीनेशन आसान है, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो हमें इमरजेंसी एड की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर सॉन्ग, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। प्लीज आप दोनों मेरे साथ ऊपर चलो। ठीक है, तो फिर जल्दी करते हैं। हाँ। थक गई? ये मुश्किल है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा होगा, पर मैं थक गई हूँ। मदद करो, कोई मदद करो। इसे देखो, ये बेहोश हो गया है। हाँ, ये बेहोश हो गया है, कोई इसे देखो जल्दी से। पता नहीं क्या हो गया। बच्चा, मेरा बच्चा। आप चिंता मत करो, डॉक्टर हैं यहाँ पर। इसके हार्ट बीट स्लो है, पल्स नहीं मिल रही, ये अथेमिया के लक्षण है। डॉक्टर चैन एड्रेनालाइन तैयार करिए। लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ये हुआ कैसे? भरोसा रखिए और एडोपिन लीजिए प्लीज। हाँ। डॉक्टर, ये ठीक है ना? ये लीजिए। इसे टाइट पकड़ो। इसे दबाना। ठीक नहीं है, CPR देना होगा। इसे बदलो और मुंह से हवा दो और मैं प्रेस करती हूँ। हाँ, ये सांस ले रहा है। बेटा, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या तुम ठीक हो? बस बहुत हुआ, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ। शुक्रिया, शुक्रिया। हे लीव, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमें इस बात का बहुत दुख है। किस बात का? तुम दोनों को रात भर गांव में ही रुकना होगा, पहाड़ खसकने से रास्ता बंद है, उस पे काम चल रहा है, किस्मत से हम बच्चे को नीचे भेज पाए। चलो अच्छा हुआ। आओ, हमने बहुत जल्दी में रूम तैयार किया है, तुम दोनों लव बर्ड्स के लिए एक रात के लिए ठीक होगा ना? लव बर्ड्स? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। क्या हमें एक और रूम मिल सकता है? एक रूम? अब तो वो तैयार नहीं है। कोई बात नहीं मैम, एक रूम काफी है, हम टास्क पे हैं, परेशान मत होइए। हमें बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चे को बचाया आपने। सबको वैक्सीन से रिएक्शन नहीं होता है, शुक्र है कुछ सीरियस नहीं था।
आप लोग आराम करिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ठीक है मैम। चलिए बैठिए। मैं उनकी मदद करती हूँ। ठीक है। सुनिए, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? नहीं, जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। क्या आपके पास कुछ दूसरे कपड़े होंगे? हाँ, पहले नूडल्स बना लेती हूँ फिर देती हूँ। ठीक है। ये मेरे बेटे और पोती के कपड़े हैं, तुम इसे पहन सकती हो। वाह, क्या तुमने पानी गर्म कर दिया? हाँ, आज तुम बहुत थक गई हो, नहा लो। चलो अब मैं नहा सकती हूँ। ये लो, ये नूडल्स उन्होंने बनाए हैं। ओह, गर्म है, अभी खा लो। ठीक है, तुम नहा लो, मैं बाहर बैठता हूँ। ठीक है। माफ करना, मैंने देखा नहीं, कुछ नहीं देखा। चल तू बाहर चल। कैसे घुसा अंदर? बाहर चल। तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा, आराम से नहा लो। ये उनसे लिए हैं, शायद मुझे अच्छी नहीं लग रहे। अच्छा है, सच में। मैंने तुम्हारे लिए पानी निकाल के रखा है, जाओ तुम नहा लो। शुक्रिया। ये तुम्हें अच्छे से आ गया। सच में? इन कपड़ों में तुम बिल्कुल गांव के लग रहे हो। वैसे तुम भी अच्छी लग रही हो। यहाँ फेस्टिवल्स में अच्छा लगता है, काफी अच्छा माहौल रहता है। हवा कितनी साफ है, कितना अच्छा है। आखिर तुम हंसी। क्या हुआ? एनिवर्सरी से लौटने के बाद तुम बहुत खोई खोई सी लग रही थी। वहां कुछ हुआ था क्या? तुम मुझे बता सकती हो? मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी, मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए। हमें कोटास पूरी करने होते थे, जिसमें ना कुछ डिसाइड कर सकती थी ना बदल सकती थी। मैं वहां के लिए नहीं बनी थी तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि जायली का स्टोर बंद होने वाला है, तो मैंने अपनी सेविंग्स वहां लगा दी और उसकी पार्टनर बन गई। अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें अच्छे से करना होगा। मैं पीएचडी करने का सोच रही थी, लेकिन स्कूल इवेंट वाले दिन प्रोफेसर ने मुझे बताया कि मेरे फील्ड के प्रोफेसर हेल्थ इश्यूज के कारण नए स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं लेंगे, इसलिए मैं निराश थी। तो अब इसके बाद क्या प्लान है तुम्हारा? इसके बाद मैं स्टोर चलाऊंगी और साथ ही एग्जाम की तैयारी दोनों करूंगी। यहाँ गांव में आकर आज मुझे पुरानी बातें याद आईं, और डॉक्टर होने के नाते मैंने अचीव किया, और मुझे याद आया कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई क्यों की। वैसे कई बार जब हम राह पर अकेले चलते हैं तो बड़ी आसानी से हम भूल जाते हैं कि पहला कदम क्यों बढ़ाया था। शुक्रिया,
मुझे इतना समझने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले की तरह होने के लिए। अरे यहां से तो पानी गिर रहा है। ये बहुत पुराना घर है, बारिश में बहते रहता है, कोई है नहीं जो इसे ठीक कर सके। बस कटोरी में पानी जमा करते हैं। मैं समझ गया, रुको मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ध्यान से चढ़ना। हाँ। मुझे वो बाल्टी दो। सीढ़ी पकड़े रहना। हाँ, संभल के। चोट लगी है, हॉस्पिटल जाना होगा। कुछ नहीं हुआ। ऐसी चोट में टीटनस इन्फेक्शन का डर ज्यादा होता है, हमें जाना ही होगा। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुई नहीं लगा। नहीं, अगर इसका इलाज ठीक से नहीं हुआ तो ये बढ़ जाएगा। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस छोटी सी खरोच है। टीटनस की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, तुम पैरालाइज्ड हो सकते हो। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा हर केस में नहीं होता। सूजन आ सकती है, गला बंद हो सकता है, यहाँ तक कि दिल की धड़कनें बंद हो सकती है। मुझे नहीं करना। बैठो चुपचाप। बैठ जाइए। तुम्हें सुई से डर लगता है? बिल्कुल नहीं, क्या मजाक कर रही हो, मैं सुई से डरूंगा? क्या आप इंजेक्शन लेंगे? मुझे बाकी पेशेंट्स को भी देखना है। किंचे, मैंने सुना है वो लोग तुम्हें तुम यही हो? इसे सच में डर लगता है। सुनिए प्यारी महिला, हम कुछ डिस्कस करना चाहती हैं, क्या आप बाद में आ सकती हैं? जल्दी कीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वाह किंचे, तुम निडल से डरते हो, अपने रेपुटेशन का तो ख्याल रखते। चुप रह, ज्यादा ज्ञान मत दे, समझा ना? क्या बकवास कर रहा है? अब वो देख लेगी तो उसे तुम्हारे लिए बुरा नहीं लगेगा। अगर मैंने तुझे जाने दिया तो उसे कुछ और ही लगेगा। साजो, शिनचैन, तुम यहाँ कैसे? कितना वक्त हुआ हमें मिले। वैसे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो। वो पेशेंट मेरे जान पहचान के हैं, उन्होंने डोज लेने से मना कर दिया है। तुम्हें पता है मेरे पास मेडिकल लाइसेंस है। ठीक है, छोड़ दो मुझे। छोड़ नहीं छोड़ूंगा। अब तो तू गया बेटा। क्या तुम तैयार हो? डॉक्टर सॉन्ग, आ जाओ। क्या कर रही हो? इसके अलावा मैं क्या करूंगी, डोज ही लूंगी। देखो, भले ही आप एक डॉक्टर हो, आपको पेशेंट की बात सुननी चाहिए। मुझे सुई नहीं लगवानी। एक डॉक्टर होने के अलावा मेरी एक दूसरी पहचान भी है। कोई भी पहचान काम नहीं करेगी। सच में? मैं पेशेंट की फैमिली मेंबर हूं, क्या ये काम नहीं करेगा? मेरे परिवार में सिर्फ एक जन की कमी रह गई है, क्या तुम उसे पूरी करना चाहती हो? तुम ये शॉट ले रहे हो या नहीं? तुम ऐसे करोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगी। इसे निकालो। हाँ
ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं? अभी बहुत वक्त है दोस्त। क्या हो रहा है? तुम आ गई। शिंचन ने मुझे बताया कि वो रास्ते में है और मैं उनके लिए कपड़े लेके आई हूँ। वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं? उन्हें देखना नहीं चाहती। रेस की टीम का नाम सुनके मुझे बहुत मजा आया। मेरी एक्साइटमेंट को देख सकते हो। तुम कहना क्या चाहती हो? जैसे टीवी ड्रामास में दिखाते हैं और मैं यहाँ लाइव देख रही हूँ। हाँ, तुमने कितनी सारी ड्रामास देखी हैं इस तरह की, बताओ। बहुत ज्यादा नहीं, हो सकता है 100। ये तुम क्या कर रहे हो? तो मुझे कपड़े नहीं उतारने होंगे? ये टीटनस का इंजेक्शन है, इसे बाजू पे लगाया जाता है। तुम पागल हो? इधर आओ और बैठ जाओ, जल्दी करो। हाँ। ये मैं खुद कर सकता हूँ, रुको। नर्वस मत हो, ये जरूरी है। तो तुम्हें सुई से डर लगता है? हाँ लगता है, लेकिन कोई मेरी फैमिली पूरी करे तो मैं लगवा लूंगा। पक्का? जल्दी करो। मैं लगा रही हूँ। 3 तक गिनूंगी। 3। ये निकालो जल्दी। इसे दबाओ, पकड़ के रखो। तुम मरने से नहीं डरते हो और एक छोटी सी सुई से डरते हो। तुम सच में अजीब हो। क्या मेरी कोई कमजोरी नहीं हो सकती? हाँ होगी, लेकिन तुम्हारी वीकनेस थोड़ी फनी है, लेकिन ये क्यूट है। तुम्हें लगता नहीं वो लोग एक अच्छे कपल्स हैं? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है जैसे कि मैं। ठीक है, बढ़िया। कम ऑन हैंग शूलिन, तुम बहुत दिनों से सिंगल हो, तुम किसी के साथ भी सेटल नहीं हो सकती। वो पहले की तरह प्लेबॉय नहीं होना चाहिए। जो तुमने पहले कहा था उसका क्या मतलब है? मैंने क्या कहा? याद करो, मेरी फैमिली मेंबर्स के बारे में जो मेरे बीमार होने पर साइन करते हैं। तुम कैसे भरोसा कर सकते हो? लगता है बचपन में जो इंजेक्शन तुम्हें लगी थी वो आज तक याद है। आज कैसा लगा? आज मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। ओ, वैसे एक बात है, डॉक्टर सॉन्ग आप बहुत अच्छी हैं। ना ही आपने इसे इंजेक्शन लगाया बल्कि इसके डर को भी आपने निकाल दिया। चुप करना, मैं तुझे भी सुई लगवा दूंगा, समझ गया तू? मुझे नहीं लगता कैप्टन सुई इतने हैंडसम होंगे, क्या तुम उनकी साइड ले रही हो? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस बात को एक सीक्रेट ही रखना। वो व्यवहार पे डिपेंड करता है, जैसे कि तुम अब ठीक हो तो मैं और जाइली अब चलते हैं। तुम दोनों साथ में नहीं रहती?
मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं भी एक एडल्ट हूँ। मैं हूँ तो चिंता क्यों? शिजैन, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आई हूँ। मुझे याद आ गया, मैं स्टोर पे कुछ भूल गई हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। जरूरी है? हाँ। मैं भी उसी तरफ जाने वाला था। मैं लेकर चलता हूँ। बाय बाय। चलो फिर, या मैं पकड़ूं तुम्हें? हाँ। तो तुम्हारा घर किस तरफ है? मुझे सबवे स्टेशन के पास उतार दो। एक खूबसूरत लड़की को रात में सबवे से नहीं जाना चाहिए। मैं ज्यादा परेशान हो जाऊंगी क्योंकि ड्रॉप तुम कर रहे हो। नहीं, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तो अपने स्टोर में किस तरह के कपड़े रखती हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे गलत मत समझो, अपने दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है तुम खरीद दे सकते हो। मैं क्यों खरीदूंगा भला? क्या कुछ नए स्टाइल्स बता सकती हो? हमारे पास प्लांटी स्टाइल के कपड़े हैं, वहाँ प्योर सिल्क, लेस, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए। क्या तुम्हारे पास क्यूट वाले भी हैं? क्यूट वाले हैं, जरा एक बार देखती हूँ। हाँ है, तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। बिल्कुल। माफ करना। हाँ सब ठीक, अब टेंशन नहीं है, डिलीवर हो जाएगा। लापरवाही करना हानिकारक है। कुछ भी सोचती रहती हूँ मैं। मुझे तुम्हें ड्रॉप करने के बाद किसी और को पिक भी करना है, थक जाऊंगा यार। किसको? उसके आने से मेरी परेशानी बढ़ेगी। लड़का है या लड़की? लड़की है। देखो मुझे गलत मत समझो, हम दोनों साथ में ही पले बड़े हैं, वो मेरी छोटी बहन है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा। देखो देखो, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। देखो ज्यादा मत सोचो, वो सच में मेरी छोटी बहन ही है। मैं थक गई हूँ, तुम ड्राइविंग पे फोकस करो। तुम्हारा घर नहीं आया अभी तक, बताया नहीं तुमने? सीधे चलते रहो। हेलो, स्टूपिड मत बनो। तुम देखते हुए थक नहीं जाते? तुम्हें देखना मुझे अच्छा लगता है। तुमने ये बातें कहाँ से सीखी? ये नॉर्मल तो नहीं है, क्या तुम्हें बुखार है? हाँ, तुम्हें बुखार है? कुछ नहीं हुआ। सच में? मेरे साथ चलो, मेरे घर पे मेडिसिन है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं गाड़ी चला के घर जा सकता हूँ। तुम्हारे पास दवा है? नहीं। तो उतरो फिर। अंदर आ जाओ। इसे पहनो, मेरे पास लड़कों के जूते नहीं हैं। पहनो इसे। और आराम से बैठो।
इसे बदल लो, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। ये लो, टेम्परेचर चेक करो, मैं दवा लेकर आती हूँ। ठीक है। ये वाली एक ही बार में चार लेनी है। क्या तुम्हें और कोई परेशानी तो नहीं है? ये तो सो ही गया। जब से हम मिले हैं हर चीज सही नहीं हुई हमारे साथ। जंगल में, गांव में, तुम बहुत हैंडसम हो। सोने का नाटक कर रहे थे, मैं इसे भूलूंगी नहीं। नाटक खत्म हुआ? मुझसे बात करो ना। हाँ जरूर, पहले मेडिसिन लो। क्योंकि तुम्हें बुखार है बस इसलिए मैं बैठ रही हूँ। तुम्हें बात नहीं करनी तो मैं जाती हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो एक लड़की को पसंद करता है और वो दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं, खुश लगते हैं, मस्ती भी करते हैं, लेकिन कभी कभी उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। इसीलिए मेरा दोस्त जानना चाहता है कि वो लड़की क्या सोचती है उसके बारे में। तो तुम ये जानना चाहते हो कि लड़कियों को क्या पसंद है? एक समझदार लड़की को बातें घुमाना कभी पसंद नहीं होता है। एक लड़की जो चाहती है कि उसे बिल्कुल भी काबू में ना किया जाए। लेकिन तुम मुझे कर सकते हो। तुम बहुत बुरे हो।